आई थिंक जब रोहित ने स्क्रिप्ट वर्कआउट किया, कोई कुछ बोल रहा है, एक मिनट मैं बोल लूँ फिर आप लोग बोलिए। तो दोस्तों, रोहित शेट्टी और अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन और एटली की फिल्म बेबी जॉन की खूब चर्चा है। दोनों ही साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक है। सिंघम अगेन कॉप यूनिवर्स की अगली मूवी है, जिसमें अजय देवगन के साथ दिग्गज कलाकार और दिखेंगे। उधर बेबी जॉन एटली की पहली प्रोड्यूस की गई फिल्म है, जिसमे वरुण धवन कुछ अलग ही अवतार में नजर आने वाले है। दोनों ही मूवी में एक चीज कॉमन है, जी हाँ, सलमान खान का दोनों ही फिल्मों में धासु कैमियो होने वाला है। पहले बात सिंघम अगेन, कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई जिसमे अजय देवगन और सलमान खान एक साथ दिख रहे थे। अजय देवगन अपने बाजीराव सिंघम वाले अवतार में थे और सलमान खान चुलबुल पांडे वाले गेटअप में। बताया गया कि ये फोटो सिंघम अगेन के सेट का है, जिसमें कुछ देर के लिए सलमान खान दिखेंगे। वो अजय के साथ एक एक्शन सीक्वेंस में नजर आएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में होंगे, मगर बाद में इन खबरों को खारिज कर दिया गया। इस फोटो को फेक और खबरों को झूठ बताया गया। अब पिंक विला ने बताया कि सलमान खान सिंघम अगेन के लिए शूट करने को तैयार है। पिंक विला ने सोर्स के हवाले से बताया कि सलमान ने रोहित को एक दिन का समय दिया है, जिसमें इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। सोर्स ने कहा, यह अभी तक का सबसे बड़ा क्रॉसओवर होगा। सालों बाद सलमान खान बतौर चुलबुल पांडे अजय देवगन के बाजीराव सिंघम से मिलेंगे। ये अक्षय, रणवीर और दीपिका जैसे एक्सीडेंटेड कैमियो तो नहीं होगा, मगर रोहित शेट्टी ये शोर करेंगे कि अजय और सलमान एक साथ स्क्रीन पर दिखे। सोर्स ने ये भी बताया कि सिंघम अगेन में भले ही थोड़ी देर के लिए सलमान खान दिखेंगे, मगर भविष्य में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में चुलबुल पांडे एंट्री ले सकते हैं। रोहित के कॉप यूनिवर्स में सलमान खान फुल फ्लेज्ड रोल में भी दिख सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी है कि रोहित ने भाईजान से उनके सिकंदर के सेट पर भी मुलाकात की, यहीं पर उन्हें कैमियो के बारे में बताया और भाईजान मान गए। एटली और वरुण धवन की बेबी जॉन की बात करें तो इस फिल्म में भी सलमान खान का मास कैमियो होगा। वैसे दोस्तों, आप सलमान खान की किस कैमियो के लिए एक्साइटेड है, बेबी जॉन की या सिंघम अगेन के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।